क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय पर बोलने का अवसर प्रमाण दिया है। माननीय राज्य सदन इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर गंभीर है। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्प्रभावों से हम सभी प्रभावित हैं, और अगर इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए और भी भयावह होगा। हमारी पृथ्वी का तापमान 0.8 से बढ़कर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसकी वजह से बिन मौसम बरसात, सूखा, अधिक गर्मी पड़ना, मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे फसल चक्र में भी प्रभाव देखने को मिला, और इसकी वजह से तमाम फसलें भी बर्बाद हुई, और इस मौसम में बदलाव की वजह से तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, जिसको माननीय संजय सिंह जी ने भी कोट किया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। वहीं आज हमारे इसी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व के अंदर तमाम जाने भी जाती हैं। इसलिए मानव हमें इसके कारण और निवारण पर ध्यान देना होगा। मानव कारण में तो कई सारे हैं, और इसमें फॉसिल फ्यूल को लेकर के बड़ी लंबी बातें हुई हुई हैं, और अभी इससे पहले माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक बिल भी यहाँ पे आया था, एनर्जी कंजर्वेशन बिल को लेकर के, उसमें भी सारी बातें की गई हैं, और सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि एनर्जी कंजर्वेशन में रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दिया जाएगा। और माननीय इसके साथ ही और भी मेजर कारण हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा कि डीफॉरेस्टेशन पे भी ध्यान देना होगा, और चेंज लाइफ स्टाइल को लेकर भी हमें ध्यान देना होगा कि आज हम अपने चेंज लाइफ स्टाइल को लेकर के हम अपने फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, मिनरल्स को निकालने के लिए, कोल्स को निकालने के लिए फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, हाईवेज को बनाने के लिए हम फॉरेस्ट काट रहे हैं। इन बातों को ध्यान देना होगा, और साथ ही हमें जानना भी होगा कि पृथ्वी में 27% ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, और 70% ऑक्सीजन हमें मिनरल्स प्लांट से मिलती है, और इस 27% को बचाने के हमारे पास उपाय हैं कि जो भी हम प्लांट को काटते हैं, उन प्लांटों को काटने के बाद हाईवेज बनाते हैं, तो वहां पे उनको रीप्लांटेशन किया जाए, क्योंकि एक पेड़ डेली हमें 118 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, और एक पेड़ अपने जीवन भर में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके मतलब उसके इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में ज्यादा है। हमें पेड़ों को बचाने को लेकर के भी आगे बढ़ना चाहिए। अगले 10-20 सालों पहले पीछे जाएं अगर हम, तो हमारे पास देश में करीब 25% फॉरेस्ट था, आज इसकी जो रकबा है घट करके 21.71% रह गया। हमें इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि हमें अपने फॉरेस्ट को कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर के हमें गंभीर रहना पड़ेगा, और मानवीय कुछ उद्योगों को लेकर भी हमें गंभीर रहना पड़ेगा जो रात दिन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, मीथेन निकाल रहे हैं, और हमारे सामने निकाल रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे में एक छोटा सा उद्योग है, पूरे देश में प्रचलित है, मुगल कालीन से वो चला रहा है एक बिजनेस ईंट बनाने का। ईंट जो है पुराने स्तर से कोयले से या लकड़ी को जला करके ईंट बनाई जाती है। देश के अंदर 14 लाख ईंटों के भट्ठे हैं, और इन ईंटों के भट्ठों से रात दिन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मिथेन निकल रही है। इसको लेकर भी सदन चर्चा करें कि इन पर भी R&D और साइंटिफिक टीम लगा करके ईंट भट्टों को कैसे कोयले से मुक्त किया जाए, उनको लेकर कौन सी एनर्जी वहां पे दी जाए, कैसे उनका ईंधन दिया जाए, उसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हमें रिसाइकिलिंग को लेकर के ध्यान देना चाहिए कि रिसाइकिलिंग प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं। अवेयरनेस कैंपेनिंग को लेकर भी हमें सजग रहना चाहिए कि हमें, अगर अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होगी कि हमें पेड़ से क्या मिलता है, पेड़ से क्या बेनिफिट है, और तमाम जो चीज़ें हैं कि बल्ब लगाने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, LED निकालने से कितना उसमें बचत होगी, ये सारी कैंपेनिंग करने की जरूरत है। लोगों में जब अवेयरनेस आएगी तो 100% लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से आप मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज वंदना चव्हाण। सर,